सुखा मीट ना, नेपाली लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं सुकुटी। दो बर्तन में पार्टीशन कर दिया उसका, दोनों ही वही मीट बन रहा है। ये बट रहा है सबके लिए दारू, जो जी सब टाइट हो गया, अब आएगा असली मजा। सांस ले रहा हूँ। चीयर्स। भेड़ पालकों के डेरे से पहले ना जो बकरे वाले हैं उनका कैंप लगा हुआ है यहाँ, पहले वहाँ तक पहुँचता हूँ। आवाज़ तो आ रही है, उसके बाद उनसे पूछता हूँ यार क्यों भेड़ वालों का कैंप है कहाँ। हेलो, जाना कहाँ है यार, दिख नहीं रहे। तो बहुत पहले तो इनको ढूंढना पड़ेगा यार भाई, ये है कहाँ पर, कहीं रास्ता रास्ता भटक ना जाऊँ यार। मुझे आना था वो पीछे से, मैं थोड़ा नीचे की तरफ से शॉर्टकट पकड़ लिया ना, तो ये रास्ता मैं गलत आ गया शायद। अब ढूंढना पड़ेगा भाई ये है कहाँ, ये लोग। फ़ोन किया था मैंने अभी राजेंद्र भाई साहब को, बोले ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। साला ऊपर तो रास्ते ही नहीं है यार, मैं फिर यहीं पे बैठ गया यार, थोड़ा सांस ले लेता हूँ फिर ढूंढता हूँ इन लोगों को यार। सारा ये तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। मैं आगे दरअसल यार यहाँ से ना ऊपर तक जाना है, रास्ता ना काफ़ी सारा रास्ता है, इधर से भी इधर से भी था, अब कौन सा रास्ते से जाना पता ही नहीं था। तो दूर दूर से आवाज़ लगाते लगाते वहाँ से ओ करते करते अब आवाज़ मोटी होने लगी। आ गया राजेंद्र भाई साहब भी, वाट लग गया यार भाई यार। एक तो ये बैग जो देख रहे हो ना, ये बैग भी सारा करीबन 10 किलो का भी होगा ना, तो सारा ऊपर पहाड़ चढ़ते वक्त ये सारा करीबन 50 किलो का लगता है यार। अब जाके पहुँच गया राजेंद्र भाई। अरे मेरे भाई, अरे यार तुम यार भगवान कसम कैसे कैसे जगह में रहते हो यार, तुम्हें ढूंढना तो भगवान को ढूंढना आसान है, तुम्हें ढूंढना भयंकर भाई, बहुत बुरा हाल हो गया यार। अभी तो 500 मीटर भी नहीं चढ़ा था मैं, तुम तो कमजोर हो गया यार, एक हफ्ते भी मार मूल नहीं खा रहे क्या है? अरे मेरे भाई, तुम्हें यार ढूंढ ढूंढते यार जाने माने यार कमजोर हो गया यार तुम तो यार, एक हफ्ते भी चलो चलो माल लेके आ रहा तुम्हारे लिए, आज मोटे हो जाओगे, बैग नीचे रखाओ लेके चलते हैं। चलो चलो ऊपर है क्या पानी? अच्छा मेरे को नहीं पता। हाँ यार, यहाँ तो एक तो रास्ते का पता नहीं चल रहा था ना, चारों तरफ से रास्ते रास्ता है, अब कौन सा रास्ता पकड़ना है पता नहीं चल रहा था मुझे।
तो भाई फाइनली पहुंच ही गया मैं यहाँ पे डेरे में। ये है बकरी वालों का डेरा, तो आज तो मैं रहूँगा यहाँ बकरी वालों के डेरे में, कल जाऊँगा मैं भेड़ वाले डेरे में जो मेरा पुराना ग्रुप है। तो पुराने ग्रुप में से जो राजेंद्र भाई साहब है वो तो आ जाएंगे यहाँ पे, और प्रेम भाई साहब गए हुए हैं घर की तरफ, गोविंद भाई साहब यहीं पर ही हैं, वो उनको मैं कल मिलाऊँगा, वो आज तो आएंगे नहीं क्योंकि भेड़ वालों के पास में। ये है नए भाई साहब, नाम तो बता दो। मेरा नाम लाल सिंह है जी। लाल सिंह, उमराल सिंह। उमराल सिंह भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप अपने साथ बैठने के लिए दे रहे हो। और भाई साहब आपका क्या नाम है? शोभन सिंह चौहान। शोभन सिंह चौहान, आप राजेंद्र भाई साहब के बड़े भाई, बड़े भाई हो ना? हाँ। तो भाई यहाँ पे ये हमारा डेरा, ये पूरा सामान रखा हुआ है इन लोगों ने, राशन पानी सारा चीज, और टेंट वेंट भी रखा हुआ है इन्होंने। अभी जो बारिश आए थे तुम टेंट लगाया होगा, बर्फबारी तो नहीं हुई होगी यहाँ पे? ना, ओले ओले गिरे। अच्छा, ओले ओले गिरे थे। अच्छा, मैं आ रहा था उस दिन, लेकिन मैंने बोला यार अब जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा बारिश रुक जाएगी तब जाऊँगा, मुझे पता होता ना आप लोग के पास टेंट है तो मैं भी आता फिर, है ना तुम्हारे पास? तो फिर राशन पानी रखा हुआ। और ये क्या का मीट है? बकरे का? बकरे का भाई। तो ये बकरे आप मतलब काटने के बाद फिर उसका जो मीट बच जाता है सुखाने रख देते हो? अच्छा, सूखा मीट ना, नेपाली लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं सुकुटी। ये हाँ, जहाँ पे आग जलता है ना आग के धुएं से सूखता भी रहता है, ऐसे लटका देते हैं। टमाटर प्याज काट के तड़का लगा के बड़ा फर्स्ट क्लास बनता है यार भाई। ये है बकरे का मीट, फर्स्ट क्लास सूखा हुआ है पूरा। हाँ हाँ, बकरे का मीट। वैसे मैं अपना चिकन लेके आ रखा हूँ, चिकन भी बनाएंगे। मैंने फोन किया था, मैंने उनको क्या बोलते हैं गोविंद भाई को फोन किया था, मैं बोला यार भाई मैं वो लेके आता हूँ मीट मार्ट, वो सब बोल रहे थे वो मीट मार्ट मत लाओ यार, तुम सब्जी सब्जी अगर लाना है सब्जी लाना है। मैंने बोला यार सब्जी कहाँ लेके जाऊँगा यार, मीट ही लेके जाता हूँ। तो पार्टी पुटी देनी थी, दारू दूर भी लेके आ रखा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने बोला यार चल मीट लेके आता हूँ, तो मीट लेके आया मैं, जो भी होगा देख लेंगे, मुझे तो ये पसंद आएगा भाई। सुकुटी मैंने खा रखा ना बहुत बार, अरे कोई बात नहीं यार, मैं तो जैसा मर्जी खा लूंगा, मैं तो जंगली आदमी हूँ कुछ भी खा लेता हूँ। तो ये इन्होंने आग जला रखा है ना, आग जलाने के बाद धुएं से भी थोड़ा धुआं लगता रहता है मीट में, तो सूखा हो जाता है, ये खराब नहीं होता, ये 3-4 महीने भी रख लो तो खराब नहीं होता। 3-4 महीने तो क्या, अभी 15 दिन में, साल भर तक। अच्छा, आग लगा तेरे जाएंगे भाजी, बस वो सूखते जाएगा। अच्छा, तो तुम लकड़ी काटने आ रहे हो अभी? ठीक है आ जाओ लकड़ी काट के, मैं यहीं पे हूँ अभी। तो ये है भैया सुकुटी, ऐसा लगा रखा यार, एक दो पीस मुझे घर के लिए दे देना यार, है बीवी को खिलाऊंगा। ये बढ़िया है भाई। तो भाई वैसे मैं टमाटर ला रखा हूँ, मिर्ची ला रखा हूँ, और मीट भी लेके आ रखा। दरअसल मेरी गाड़ी जो है वहाँ पे उस दुकान पे खड़ी है, वहाँ से थोड़ा सा इधर पे जाएंगे ना, वो दुकान दिख नहीं रही, दूसरी दुकान पे लगभग 20 मीटर आगे दुकान पे खड़ी है। मुझे आना था वो वाले रास्ते से, यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए, ये रास्ता बिल्कुल साफ रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से। यार मुझे आदमी भी दिखाई दे रहे, कोई आ रहा है वहाँ से, कैमरे में तो आएगा नहीं, यहाँ से आना चाहिए था। मैं आ गया बेवकूफ़ की तरह, वहाँ से सीधा पहले ये वापस आया यहाँ पे, ये जंगल में भटक गया था, फिर फ़ोन करके इनको जैसे तैसे कॉन्टैक्ट करके ये झाड़ियों के रास्ते से होते हुए तब आया। और आते साथ भैया मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी, यहाँ पे अपना लेट गया आधा घंटा आराम करने के बाद, अब जाके थोड़ा जाना है यार मैं मुझे। और बाकी यार मौसम ख़राब हो रहा है, मेरे ख्याल बारिश ज़रूर आएगा आज, कोई दिक्कत नहीं यार, टेंट की भी परीक्षा हो जाएगी कि बारिश में कैसा काम करता है, उसकी क्षमता क्या है। ये सही हो गया भाई, मैं अपना लाइट तो ला नहीं रखा भाई साहब, लोगों का ये सोलर लाइट है, गर्म है यार, गर्म हो रखा भाई ये ठीक है यार। मैं सोच रहा था भाई अब रात को कैसे वीडियो बनाऊँगा, बट ये लाइट भी काम कर जाएगा, बाकी आग जलती रहेगी। चलो कोई बात नहीं यार, कैम करूँगा मैं यहाँ पे, लेकिन पहले सफाई करनी पड़ेगी भाई, मुझे ये लकड़ी लकड़ी हटाना पड़ेगा नीचे से ना, चुभे ना कुछ। तो भाई जूते जूते खोल लेता हूँ मैं, और स्लीपर्स लगा लेता हूँ, उसके बाद तैयारी करता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ और थोड़ा सांस ले लूँ भाई। अपना उम्र होगी भाई मेरी, इसका फ़ोन आया, अपना भाई उम्र होगी मेरी यार, ये BSNL वाले भी कहीं पे, यहाँ पे ना भाई BSNL का ही सिम चल रहा बस, दूसरा वाला मेरा जो ये जियो का है ना वो नहीं चल रहा। तो क्या कहता था मैं, उम्र होगी भाई अब, अपना ज़्यादा ट्रैकिंग होता नहीं उससे, हो तो जाता लेकिन बहुत रुक रुक के। जो पहले मैं ट्रैकिंग कर लेता था लगभग
तीन घंटे में जो ट्रैकिंग करता था ना, अभी मुझे 6 घंटे लग जाते उसको ट्रैकिंग को करने, लेकिन कर लेता हूँ मैं। तो बैग खोल लेता हूँ भाई पहले मैं। सामान सारे निकाल लेता हूँ भाई, अगर बारिश आ गई ना तो हो जाएगा फिर हालत ख़राब टेंट लगाने में, उससे पहले ही टेंट पिच करना पड़ेगा भाई मुझे। ये है टेंट, और क्या है, और ये है बोतल भाई साहब लोगों के लिए ला रखा पार्टी देने के लिए, इसको रख देते हैं यहाँ पे और रात को खुलेगा भाई वो। इस बार मैं मैट्रेस लेके आ रखा भाई, पिछली बार लेके नहीं आया था ना मैं, तो फटाफट से तैयारी करता हूँ। तो भाई लगा दिया मैंने टेंट, और ये वाला जो तकिया है ना मेरा, ये फूक मार के जो है इसको तकिया बनाना पड़ता है, यहाँ से है ये फूक मारने का। अंदर तो कुछ ऐसा है भाई, ये लगा दिया मैंने मैट्रेस, ये स्लीपिंग बैग है। अब सारे बैग जो भी ला रखा अंदर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सोऊंगा। ये लगा दिया मैंने मस्त तरीके से अपना कैंप, चारों तरफ से बांध दिया मैंने इसको, ये पूरा ये कील कूल लगा के फर्स्ट क्लास तरीके से बांध दिया मैंने। बाकी हमारे ग्रुप में और भी जुड़ गए, 4-5 बंदे और आए थे, तो इनसे नाम पूछ लेता हूँ। आपका क्या नाम है? श्रीचंद जी। मेरा नाम शंकर है, इनको तो ब्रिजेश बिस्ट, इनका ना दुकान है नीचे, मैं इनके बारे में बताऊंगा तुम्हें। ब्रिजेश किमाड़ी कैफे करके नाम से, क्या नाम से? दून व्यू किमाड़ी कैफे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनका कैंप मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंत में जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। और भाई साहब का क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुंदर सिंह पुंडीर। सुंदर सिंह पुंडीर जी, सबसे मिला देता, इनसे तो मैंने मिला ही दिया, लकड़ी काट के आ गए। आपका क्या नाम? भजन सिंह। भजन सिंगल सिंगल भजन सिंह बंग। अच्छा, भजन सिंह राणा, पूरा बताना चाहिए। हाँ पूरा बताना चाहिए। ये आग लग रखा भाई मस्त तरीके से, लकड़ी काट के लेके आ गए, ऊपर ये मीट माट लगा हुआ है, और आइटम सारा हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार है। अब कैंप कुंग भी लगा दिया मैंने, और भैया यहाँ रहूँगा मैं लगभग 2 दिन, कल भी रहूँगा यहाँ पे, परसों शाम को जाऊँगा घर। देखो भाई साहब अपनी जो है तकिए की व्यवस्था कर रहे हैं फूक मार के, यही सुविधाएं जंगलों में अच्छी लगती है। तकिए की व्यवस्था क्या, इतना चल के आया सांस वहीं फूल गया, आधा सांस, अब आधा सांस इधर ही फूल जाएगा मेरा। तो यही तो पहाड़ों की पहचान, किसके फेफड़ों में ज़्यादा जान रहती है। सही है ना, मस्त है, सरगले मखमली टाइप का है ये, मजे से नींद आता है इसमें। कम ज्यादा करना हो, हवा निकाल दो या भर लो, वो सारा चीज केंचुआ का है। ये लगाते भाई, बाकी ये देखो अपना ग्रुप आग मस्त जल रहा है। यहाँ तक गर्मी आ रही है यार आग की, हैं? गर्मी दूर दूर तक आती यार, ज्वाला प्रचंड है भाई आज यहाँ पर, ज्वाला प्रचंड जलेगा। बकरे भी आ गए, ये है बकरों वाला डेरा भाई। इन बकरों की वैरायटी मैं तुम्हें जब मुझे टाइम मिलेगा कल सुबह या तो अभी देखते हैं तब मैं बताऊंगा इन बकरों के बारे में आपको। बड़े बड़े सींग वाले भी हैं यार भाई बकरे तो। इसके सींग देखो भाई, वो गजब यार भाई, ओ भाई भाई, मेहमान आ गए तुम्हारे नए, कैसे गौर से देख रहा है वो वाला, तो सींग बड़े मस्त मस्त हैं भाई इनके। ये कितने बकरे हैं आपके पास में, कितने हैं? 400 भेड़ भी 400 ही हैं, बकरे भी 400। अच्छा, इस टाइम आते हैं वो शाम को पूरा चुगने के बाद। यार ये ब्राउन वाले की तो सींग बड़ी खतरनाक है यार, धीरे धीरे आ रहे भाई ये। अच्छा, भेड़ों में क्या होता है गाइस, भेड़ लोग ना रात को अचानक से निकल जाते हैं चुगने के लिए, भेड़ों के साथ में ये दिक्कत है। और बकरे है ना, बकरे नहीं जल्दी से जाते, बकरे नहीं आते ना, बकरे रात को अचानक से नहीं निकलते। अच्छा, पता चल जाता है इनका, और भेड़ का पता नहीं चलता, चुपचाप से खिसक लेते हैं रात को 12-1 बजे, फिर ढूंढने जाओ उनको। जब मैं पिछली बार बैठा था ना प्रेम भाई साहब के लोगों के साथ में, तो रात को चले गए, और रात भर पता नहीं कहाँ कहाँ तक निकल गए थे, वो फिर लेने के लिए गए वो। हवा नहीं लगाता ना, दूर तक निकल जाती है ना।
अगर गहरी नींद सो गए तो फिर खत्म कहानी। तो तुम्हारा ऐसा नहीं होता यार, कोई बकरे बकरे चोरते नहीं है, चुरा के ले जाते हैं कोई? रोड साइड चोरती है कोई कोई, तो मैंने सुना है कई डेरों में बकरे भी चुरा लेते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं, दो चार बकरे, फिर बाद में ढूंढो उनको, फिर बाद में मिलता है, वो तो होते है ना रोड में ज्यादा, रोड साइड। अच्छा, इधर से थोड़ा। अभी इतने बकरों को यार संभालना भी तो बहुत यार, मामूली बात थोड़ी ना। ये भाई तो भाई अपना टेंट तो लग गया वहाँ पे, चाय पीता। ये कट रहा हमारा टमाटर, इसके बाद प्याज भूज कटेगा। दरअसल क्या है ना, मैं दारू तो पीता नहीं हूँ गाइस, लेकिन मैं पीता हूँ बियर। इनके लिए अब मैं खाली हाथों आ नहीं सकता था, तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं पार्टी करूँगा। एक बोतल ला रखा ओल्ड पोर्ट रम ला रखा है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हो रखा है ठंड, तो ठंड की वजह से थोड़ा है प्योर रम, भुलाओ गम उसका तो ठंड भी गायब करो। भाई जी यार तुम तो बहुत कमजोर हो गए यार। क्या करें भाई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कहाँ, अभी तो जवान हो यार। अरे इसका जवान, जवानी हो अभी तो, कहाँ से चलते चलते हैं। हमारे दादा से तो बहुत छोटे हैं। दादा से छोटे? अरे हाँ यार, मेरे से छोटा तो हूँ, 55 साल का तो बन गया। हाँ ये बात भी है, अब छोटा कहाँ है भाई। भाई तुम्हारे बहुत डिमांड आ रहा था कमेंट में कि भाई साहब राजेंद्र भाई साहब से मिलना है, राजेंद्र भाई साहब से मिलना है। मैंने बोला भैया तुम्हें तो मैं सिर्फ वीडियो में मिला सकता हूँ, नंबर नहीं दूंगा। दूसरे तो कहाँ पे हो, मैंने बताया नहीं किसी को। तो भाई राजेंद्र भाई साहब तो जा रहे हैं कल। डिमांड तो भाई मेरी तब जब तू पुरलाएगा। हाँ हाँ पुरला तो जरूर आऊंगा ना मैं, जब पुरलाएगा तभी डिमांड पूरी होगी। मेला मुला घुमाना वहाँ का, मेले के बहाने तो बुला रहे तेरे को। फिर उमराल भाई सब्जी काट रहा, टमाटर काट रहा, मेला हो रहा। तो भाई पुरोला भी जाऊंगा मैं, थोड़ा समय निकाल के जब गर्मियां शुरू हो जाएंगे तब पुरोला में जाके वहाँ पे जो जो कंटेंट मिलेगा गांव का, मेले का, और हिमालयाज है वहाँ पे, हरकी दून है, वो सारा चीज इनके साथ में रह के वो सोच रहा हूँ मैं। लेट्स से अभी देखते हैं भविष्य में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है अभी तो पता नहीं है कुछ। तो फिलहाल तो गर्भ में क्या छुपना है, बस थोड़ी देर बाद सारे टल्ली होने वाले, तैयारी चल रही है भाई। आग मस्त जल रहा है, आग के करीबन 4-4 फीट आगे तक पूरा गर्माई सारी आग की, ज्वाला भी प्रचंड होगा, लकड़ियां बहुत है वहाँ पे उस तरफ। मुझे अगर पता होता ना यहाँ पे मीट का भरमार है तो मैं चिकन लेके नहीं आता। अभी सीन ऐसा है, चिकन में से एक पीस निकाल के ना ऐसे यहाँ पे उसको भून लेंगे आग में, वो खा लेंगे थोड़ा सा। बाकी यार नीचे जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है भाई की, क्या नाम बताया था भैया तुमने अपना? ब्रजेश बिस्ट। इनके दुकान पे भिजवा रहा हूँ मैं चिकन की, ये लोग खा लेंगे यार। 2-3 लड़के होंगे तुम लोग वहाँ पे? हाँ वो खा लेंगे। बाकी यहाँ तो मीठी मीठी लटका हुआ भाई, ये बना के खाएंगे हम लोग। आज की रात तो मेरा यहीं पे कटेगा, नोमैड शेफर्ड्स लोगों के साथ में, और यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। रात को कैंपिंग यहीं कर रहा हूँ मैं। और जितने भी ये बकरी के वैरायटीज वगैरह है ना, कैसी बकरी होती है, बीज क्या होता है, सींग वाले, बड़े कान वाले, वो सारा मैं शायद अगले भाग में बताऊंगा। आज तो खैर अंधेरा हो गया तो एक एक बकरी को दिखाना मुमकिन नहीं है, तो अगले वाले भाग में वो देखने को मिलेगा। तो सारे बकरी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। लगभग 400 के करीब ये बकरी है, 400 के करीब है ना ये, 400 के करीब ये बकरी है। वहाँ पे हमारा मीट बन रहा है आग में, भुन गया क्या? भुन गया है, तो ये थोड़ा चखेंगे। बाकी मीट मैं नीचे भिजवा रहा हूँ, और आज यहीं पे होगा डेरे में हमारा खाना पीना। एक कुत्ता भी यार ऊपर, भुटिया कुत्ता है, लेकिन वो सारा ऊपर की तरफ में, कल दिखाऊंगा यार वो भुटिया कुत्ता। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि वो भुटिया कुत्ता, वो भुटिया कुत्ता नहीं है, वो उसको गद्दी बोलते, क्या बोलते हैं, भुटिया नहीं है था यार वो, गद्दी था, गद्दी गद्दी डॉग बोलते हैं ना उसको, जो तुम नोमैड शेफर्ड्स लोग के साथ में रहता है, चरवाहों के साथ में, तो वो गद्दी डॉग्स था भाई। ये डाल दिया नमक हमने, बस ये साधारण खाना है ना। अरे ठीक है, अभी चखने के लिए है बस वो। भाई पिछली बार तो मैंने भेड़ का अंड खाया था, लेकिन भाई ये भेड़ का अंड नहीं है, अभी ये है चिकन। ये बहुत मस्त बनती है ना ये वाली। हाँ ये वाली अच्छी लगती है, भून के ना इसको आग में फर्स्ट क्लास बनता है। लो भाई आप भी लो ना, लो आप लो, ले लेता हूँ। या तो भाई खा के देखते हैं।
खाओ प्यार से खाओ, बहुत जंगल की आनंद है, मजा आ गया, जंगली मीट। इसमें ना थोड़ा ये सुकुटी भी डालेंगे और यहाँ पे पहले मीट भी काट रखा, दोनों मिक्स करके ये भी मीट बनेगा और सुकुटी भी एक में डाल देंगे। इस तरीके से बनेगा भैया आज। आटा गूंदा जा रहा है, लारनी लारनी। अब आटा, फिर उसका चावल और अपना मटन तो पक रहा है भाई अभी। टाइम लगा अभी एक डेढ़ घंटा हुआ। बाघ भालू ना, भालू नहीं है इधर, बाघ आता है। तो ये भालू लोग भी खा जाते हैं क्या, ये बकरे बकरे उठा के ले आते हैं? उठा के ले जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा नुकसान हुआ है आपका कभी कि भयंकर मतलब 5-6 बकरी या ज्यादा मार दिया? अच्छा, काफी नुकसान हो जाता होगा यार उससे तो, है ना? अब तुम दिन भर मतलब बकरे चराने के बाद फिर शाम को ये भी करते हो? क्या करे भाई, फिर ड्यूटी भी देना है, ड्यूटी भी देनी है और कोट भी बनाना है, कोट भी बनाना है। जैसे तुम्हारे पास में 400 भेड़े हैं ना, तो इतने भेड़ों के लिए कितने मतलब कुत्ते रखते हो अपने साथ में, ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए होता है? अब अच्छे अच्छे कुत्ते हो तो जोड़ा भी है, दो जोड़े भी बहुत होते हैं, एक जोड़ा। तो ये गद्दे कुत्ते सही रहते हैं या भूटिया सबसे सही रहता है? दोनों रहता है भाई, एक जैसा है, एक जैसा ही है ना, खाली बाल में अंतर है, बाल में उसका लंबा जबरू है और ये थोड़ा अच्छा छोटी बाल है, पर तेज ही रहता है ज्यादा। अच्छा, भूटिया ज्यादा तेज रहता है ना। बकरी वाला है ना ये? बकरी का बाल है ये। हाँ, तो भैया हमारा बन रहा है अभी खाना और वहाँ पे ऊन सूदने में लगे हुए, नज़ारे कुछ ऐसा है, बाकी जंगल में पूरा अंधेरा है यार। रुपये रुपये का पचे। तो ये बन रही है हमारी रोटी फर्स्ट क्लास तरीके से, भाई साहब गूंध रहे हैं मजे से और भाई साहब वो वाले बना रहे प्रेम भाई साहब, भाई अंधेरा बहुत है यार ये। उमराल भाई ना, उमराल भाई, मैं नाम भूल जा रहा हूँ यार बार बार, अब याद रखना पड़ेगा उमराल। मैं तो पूछता रहूंगा बार बार क्या नाम है, भूल जाता हूँ मैं। उमराल भाई ये फर्स्ट क्लास तरीके से बन रहा भाई। यहाँ साइड में पानी गर्म हो रहा है, चावल चावल के लिए। अच्छा, यहाँ चावल बनेगा, दाल भी बनेगा, रोटी भी बनेगा, चावल मीट भात सारा है भाई। इस कुकर में हम लोग मीट बना रहे थे, उसमें ना बर्तन हो गया छोटा और मीट हो गया ज्यादा, तो हमने उसको निकाल के फिर दो बर्तन में पार्टीशन कर दिया उसका, दोनों ही वही मीट बन रहा है। ये सीन, आदमी हो गए ज्यादा खाने वाले तो बर्तन हो गया छोटा। बाकी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया इसका नाम यार, ये जो घुमा रहे हो गोल गोल, ताकुली। हाँ, ताकुली होता है। तो जिन्होंने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा बता रखा है। अरे इसी से जैसे कोट है ना ये बन रहा है इसी से। हाँ, वो सारा ये जो भेड़ का ऊन होता है बकरे का, हाँ तो बन रहा है ना ये कोट वोट बना के रात को आते हैं ये लोग और ये ऐसा करके ऊन वो करते हैं, ये फिर कोट बनने के लिए तैयार करते हैं, फिर वो बहुत महंगा बिकता है, 2,500-3,000 का कोट बनता है वो। तो भैया लग रहा है मीट सबके लिए, भाई ये आ गया हमारा मीट, सिस्टम भी लेके आ रखा, अब सिस्टम भी खुलेगा यहाँ पे, मैं तो पीता नहीं हूँ यार, ये लोग पी लेंगे है ना। वहाँ पे लग रहा है यार लाइट बहुत कम है, धुआं रह रहे हैं, तो धुआं रह रहे हैं। ये लग गया भैया हमारा पीस, ये बट रहा है सबके लिए दारू। अपन तो दारू से दूर है भाई, सिर्फ बियर वाले हैं और यहाँ बैठे हैं अपने बुजुर्ग अंकल जी। नाम क्या बताया था आपने? कुंदन सिंह। कुंदन, कुंदन सिंह जी। सब तैयार होके बैठे हुए भाई अपने। मैं तो ला रखा हूँ गोभी का सब्जी
और रोटी, यहाँ पे ये मीट है और ये मोटी वाली रोटी है। आप लोग बहुत मोटी रोटी खाते हो ना? हाँ, मेरी तो कुछ भी नहीं है, बच्चा लग रहा है मेरा वाला रोटी तो। तो यहाँ पे सब लगे भाई काम पे। चलो भाई सबके लिए चीयर्स हैं। चीयर्स। तो भाई अपने ने तो कर दिया खाना सपाचट और घर का खाया मैंने सब्जी थोड़ा सा, पेट पूरा पी लिया भाई मैं। और इनका अभी भी चल रहा भाई, सबको हो गए टाइट, सब टाइट हो रहे भाई। भैया एक बोतल से तो कोई काम हुआ नहीं, इनके पास पड़ा हुआ था एक और बोतल, वो भी खुल गया, ये खोल लिया इन्होंने। मैंने कहा तो छोड़ो पर मैंने आए तो कोते ले जाओ आप तो कोते जाओ से ज्यादा है बात। ओ डोडा कोरा के दारो ओए उमरा भाई नाम है पादो डोडा कोरा के दारो जमुना पारा बिजोरी ले बिजोरी ले बिजोरी ले जमुना पारा।